ये सेकंड सेमीफाइनल चलते हुए बीच मैदान में एक तरफ है महाकाल एफसी और दूसरी तरफ है कलेश्वर महादेव। देखते हैं कौन सा टीम गोल स्कोर करते हैं या पेनल्टी के सहारे जीत हासिल करेंगे। और दोनों ही टीम पेनल्टी के जरिए सेमीफाइनल में प्रवेश किए हैं। और ये अच्छी पास लेकिन गलत पास के जरिए गोल। एक तरफ है महाकाल और एक तरफ है कलेश्वर महादेव। और अभी मैं आगे का आपको दिखा बताने के लिए सूरज जी से आग्रह करूंगा कि वो आपको दिखा हल समाप्त दर्शकों को सुनाएंगे। फिर से भरत मुंडा कब्जे बॉल सोनू कर्मकार कलेश्वर महादेव बाजार बंदर मुंडा 6 नंबर बाजार से पश्चिम छोर पर है महाकाल एफसी और सीधे मैदान से बाहर जाते हुए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो टीम है कालेश्वर महादेव की टीम पीला रंग की जैसे में जो टीम है महाकाल एफसी। दोनों ही नाम से अगर देखा जाए तो दोनों ही भोले बाबा के भक्त हैं। फिलहाल किस तरफ किनका पल्ला भारी होता है ये देखने वाली बात होगी कौन सी टीम फाइनल में प्रवेश करेगी। भोले बाबा तो दोनों तरफ से गंजा पीता है देखते हैं जो कालेश्वर महादेव की अगर गंजा देंगे उसी की तरफ काफी बेहतरीन टीम सपोर्ट करेंगे। शुरुआती मैच से लेकर अब तक काफी बेहतरीन प्रदर्शन हर एक खिलाड़ियों के बीच वही महाकाल एफसी भी एक बेहतरीन टीम है और बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दिखा कर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी मुकाबला फाइनल और हमारे इस मैदान पर अगर श्रीमान चक्रधर महतो जी और भूपति भूषण महतो जी पहुंच चुके हैं आपसे गुजारिश है आप मंच पे आके मंचासीन होने की कृपा करेंगे। तो यहाँ पर मौका है यहाँ पर महाकाल एफसी के लिए हालांकि नियंत्रण गवा बैठी यहाँ पर अन्यथा खतरा हो सकती थी कालेश्वर महादेव के लिए। लंबी शॉट की प्रयास चुके पूरी तरह से और होना छुए कपट का लट को दूर ही थकबे मैदान के पूर्वी छोर गोल पोस्ट के समीप जितने भी दर्शक ने ध्यान देंगे कपड़ा को न दबाएं हाथ से कपट का जो दबे से उठे उठा दो। एक मौका है यहाँ पर कॉर्नर की का कहीं ना कहीं कुछ अलग करने की प्रयास करने की आवश्यकता है। हाँ कल कब्जे में बॉल फिर से कलेश्वर महादेव 6-9 के तालमेल काफी मिस्टेक करते हुए सुजीत मुर्मू क्लब के केसीआर में सुजीत मुर्मू अब रुक जाते हैं नहीं करोगे अब
गया। आप लोग बिल्कुल तैयार रहेंगे, जैसे ही फाइनल का मैच समाप्त होती है आप लोग अपना दलबल के साथ गाजा बाजा के साथ मैदान में धीरे धीरे प्रवेश कर जाएंगे। और बच्चों इस बार कलश महादेव के लिए दाने छोड़ से गेंद निकालने में जरूर कामयाब हुए थे, साथ ही खिलाड़ी तैनात थे मौके और साथ ही खिलाड़ी को ढूंढने में असफल। अभी भी खतरा हो सकती है, काफी पावरफुल की अपने टीम से दर्शकों का काफी सपोर्ट करते हैं, निश्चित तौर पर करना भी चाहिए। और एक से शून्य के बढ़त बना चुके हैं, काफी सराहनीय रहेगा कालेश्वर महादेव के लिए। क्या महाकाल एफसी बराबरी कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। बाकी बचे समय में जैसे मैदान पर हुई तुरंत बाद एक गोल देखने को मिली है। मैंने पहले ही जिक्र कर रहा था कि छोर बदलने के साथ साथ क्या स्कोर बोर्ड में बदलाव आएगा, क्या रन क्यों बदलाव आएगा, निश्चित तौर पर हमें एक गोल देखने को मिली। एक विशेष श्रोता दर्शक साथियों के लिए मैदान के पश्चिमी छोर पर जितने भी दर्शक खड़े हैं पुरुष दर्शक, आप लोग खाली करने की वजह में महिलाएं दर्शक धीरे धीरे आएंगे। रोहित मुर्मू अब यहाँ के लिए मैदान के पश्चिमी छोर पर जितने भी पुरुष दर्शक खड़े हैं आप लोग वो जगह खाली कर देंगे। इस बार एक और इसी के साथ दो शून्य की बात लाजवाब शॉट और पूरा बाजी मच्च है। बहुत सुंदर मैच दिले दिया, मैंने कुछ दे नहीं पा रहे गिरिराज के द्वारा बेहतरीन शॉट, काफी दूर से ये शॉट थी और निश्चित तौर पर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस है। सेमीफाइनल में महामुकाबला और दो गोल से आगे हैं अब तक कालेश्वर महादेव। क्या महाकाल एफसी बराबरी कर पाएंगे, अभी भी काफी समय बची हुई है, क्षमता है काबिलियत है इस टीम पर भी गोल करने की। काफी रोमांचक स्थिति पर यह मैच, बड़ा मुकाबला, बड़ी सोच। एक और मौका यहां पर कालेश्वर महादेव के लिए और इस बार शुभनाम उनका फरक हुआ, उनके द्वारा इस तरह के प्रदर्शन हिस्सों काफी नाखुश होगी टीम के कप्तान, क्योंकि टीम के सबसे फुर्तीले खिलाड़ी, सबसे तेज तरार, सबसे रफ्तार वाले खिलाड़ी हैं डाकर और भरत, लेकिन उनके द्वारा यह मिस्टेक देखने को मिली। धन्यवाद, तीन शून्य हेल्पिंग गोल हो जाती इसमें मैच पर। वो कर डाल ले तो होते जो गोल है, दो गोल कोई बड़ी अंतर नहीं होती है, बराबरी कर सकते हैं। महाकाल एफसी की अगर बात करें से गेंद आगे को बढ़ा दिया सोनू के लिए, अच्छी पास भारत के लिए और यहां गेंद को रिसीव कर से चुके हैं। मौका है अभी भी कालेश्वर महादेव के लिए तीन शून्य की बढ़त बनाने के लिए। इस बार अच्छी डिफेंडिंग हेड के जरिए गेंद को क्लियर करने में सफल प्रयास महाकाल एफसी की ओर से। टीम के कप्तान से गुजारिश है आप अपने खिलाड़ी को तैयार कर लें, आसे दो बाटे खाएं, आसे रेडी हो जाएं, बोलें असबे आसी बस प्लेंट देने आवे कौन नहीं है, बस तो वो जा से अपने भी दर्शक खड़े हैं, आप लोगों से गुजारिश हो जाएगा धीरे धीरे खाली करने में। महिला दर्शक धीरे धीरे आ रहे हैं मैदान के पश्चिमी छोर और मैदान के दक्षिणी छोर सेंटर लाइन से वो जगह खाली कर दे, शायद माइक्रोफोन की आवाज से नहीं हटेंगे, आप लोग को जाना अनिवार्य है, आप लोग चले जाएंगे उधर, कमेटी के जितने भी वॉलंटियर्स हैं आप लोग उधर चले जाएंगे। सेंट्रल लाइन से मैदान के दक्षिणी छोर पर जितने भी खड़े हैं आप लोग वो जगह खाली कर देंगे, पश्चिमी और दक्षिणी में सेंट्रल लाइन से पुरुष दर्शक आप लोग वो जगह खाली कर देंगे, महिलाओं के लिए वो जगह सुरक्षित रखा गया है। और
सिंगल से चुन लिया, बस सौ से मिस्टेक क्षमा चाहते हैं। जर्सी नंबर गोलकीपर के हाथों में, एक और मौका है यहाँ पर कालेश्वर महादेव के लिए बढ़त बनाने। गुनहगारी टीम जितने भी अपना नाम दर्ज कराए हैं, आप लोग धीरे धीरे मैदान में प्रवेश कर जाएंगे। एक और मौका है यहाँ पर, हालांकि इस बार डिफेंडर तैनात, कोई गलतियां नहीं किए। एक और मौका हो सकता है यहाँ पर कालेश्वर महादेव के लिए, सुना मौका इस बार सीधे गोलकीपर के पास। यहाँ पर और इसी के साथ आखिरी विशेष बजते हुए 200 की जीत दर्ज करते हुए कालेश्वर महादेव। Hello।